नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्यन कुशवाहा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि पोटेशियम का जैविक स्रोत कौन कौन चीज़ें हैं जो पोटेशियम मात्रा में अधिक मात्रा में हम अपने प्लांट को दे सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके घरों में मिल जाएगी, कुछ आपको मार्केट से परचेज करना पड़ेगा और बहुत ही सिंपल, बहुत ज़्यादा आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ पोटेशियम का जो स्रोत है, मुख्य स्रोत है बनाना पील। बनाना पील अगर आप बनाना नहीं जानते हैं तो जो केले के जो छिलका होता है उसके छिलके को आप ले लीजिए, 4 से 5 छिलका आप ले लीजिए, उसको 1 लीटर पानी में आप उसको डाल दीजिए। डालने के बाद उसको ऊपर ढक दीजिए, ढकने के बाद 4 से 5 दिन उसको छोड़ दे उस तरीके से। और 5 दिन बाद क्या कर रहे हैं आपको कि उसी पानी को आपको छान लेना है और जो बनाना जो छिलका होगा उस छिलका को निकाल लेना है। निकालने के बाद जो ऊप पानी बचेगा उस पानी में आपको 1 लीटर पानी और मिक्स कर लेना है, 2 लीटर पानी हो जाएगा। 2 लीटर पानी अपने पौधे को आपको जिस तरीके से आपको देना है आप दे दीजिए, ज़मीन में दे दीजिए। बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस आपको देगा पोटेशियम का। पोटेशियम के अगर आपको प्लांट को कमी है तो बनाना पील को आप दीजिए। बनाना पील को आप दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं, जैसे जो छिलका होता है छिलके को आप सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद उसको करना क्या, आप उसको मिक्सर में पीस लीजिए। मिक्सर में पीस लेंगे तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म बन जाएगा, और उस पाउडर फॉर्म में बन जाएगा तो उस पाउडर फॉर्म को आप 1 चम्मच 1 गमले को आप दे सकते हैं, और उसको देने के बाद उस गमले में पानी दे दीजिए। बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर आपको उसको पीसना नहीं है तो जो सूखा हुआ भाग है छिलके का, उस छिलके को आप हाथों से क्रश करके आप उसको मिट्टी में जो गमले जो में पौधा आपने उगा रखा है उसमें आप दे दीजिए, और देने के बाद ऊपर से पानी आप दे दीजिए। बहुत ही बढ़िया रिस्पांस देगा आपको बनाना पील। दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि उसके बाद किचन वेस्ट आपको घरों में बहुत अत्यधिक मात्रा में निकलता है और उसको आप वेस्ट के रूप में इस्तेमाल कर देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इसका लिक्विड और ड्राई दोनों तरीके से आप बनाएंगे तो जो पोटेशियम की आपके प्लांट में कमी है बिल्कुल आपका प्लांट में परिपूर्ण कर देगा। क्योंकि मैं बताऊँगा आपको इसमें अत्यधिक मात्रा में मिलता है और ये भी टोटली ऑर्गेनिक स्रोत है, तो किचन वेस्ट करना कुछ नहीं आपको है। मैं आपको बताऊं कि बनाना पील का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और किचन वेस्ट पे मैं बात कर रहा था, किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बनाते हैं इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, जाके आप वहां पे देख सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि उसमें करना क्या है कि आप 2-3 दिन का किचन वेस्ट आप इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करने के बाद किसी बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी में उसको डाल दीजिए, और उस बाल्टी में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आप रख दीजिए। आपको ये ध्यान रहे कि उसमें पका हुआ चावल, पका हुआ रोटी, ये सब चीज़ें उसमें ना होने पाए, और उसको ढक दीजिए। उसमें थोड़ी सी आप गुड़ गुड़ की मात्रा उसमें डाल दीजिए, और डालने के बाद आपको करना क्या है कि 24 घंटे बाद उसको हल्का सा डंडे से हिला दीजिए, फिर 48 घंटे बाद डंडे से हिला दीजिए, फिर 72 घंटे बाद डंडे से हिला दीजिए। मतलब 3 से 4 दिन ये प्रक्रिया आपको लगातार करना है, और 4 से 5 दिन बाद आपको करना क्या है, आपको किसी बर्तन में उसको छान लेना है, और छानने के बाद जो लिक्विड बचेगा उस लिक्विड में 50% अगर लिक्विड है तो 50% पानी, यानी 1 लीटर लिक्विड है तो 1 लीटर पानी उसमें आपको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद अपने पौधे को आप दे दीजिए। बहुत ही बेहतरीन वर्क करेगा पोटेशियम का। मैं आपको बताऊं कि इसका ड्राई फर्टिलाइजर भी आप बना सकते हैं, लेकिन ड्राई फर्टिलाइजर में आपको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि किचन वेस्ट उसमें आपको किचन वेस्ट इकट्ठा कर लीजिए, उसमें आपको केचुआ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। केचुआ इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बढ़िया और ड्राई फर्टिलाइजर बनेगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि उसके बाद आप लकड़ी का बुरादा जानते हैं, तो लकड़ी के बुरादे में भी बहुत ही ज़बरदस्त पोटेशियम की मात्रा पाया जाता है। लेकिन आपको उसमें ध्यान देने की बस ज़रूरत यही है कि लकड़ी के जो बुरादा है उसको आपको डिकम्पोज करना पड़ेगा, और डिकम्पोज करने में आपको कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। आप लकड़ी के बुरादा मार्केट से परचेज कर लीजिए, बहुत सस्ते दामों मिल जाएगा। जहाँ पे आरा मशीन होते हैं वहाँ पे जाएंगे तो हो सके तो आपको फ्री में मिल जाए। आप लेकर आइए और कोई गड्ढा खन लीजिए, गड्ढा खन के उसमें डाल दीजिए और पानी का छिड़काव करते रहिए। 2 से 3 महीने बाद देखेंगे वो डिकम्पोज हो जाएगा, उसको आप इस्तेमाल करिए अपने मिट्टी में। बहुत ही बढ़िया है पोटेशियम का स्रोत है, वो भी जैविक। आपको मैं बताऊँ कि राख का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं पोटेशियम के लिए। राख का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बढ़िया वर्क करेगा पोटेशियम का। क्योंकि राख को दोस्तों मैं बता दूं आपको कि पहले के ज़माने में राख को कीटनाशक, फंगिसाइड और जो ज़मीन में जो पौधे ग्रो नहीं करते उसमें लोग मिलाते थे, बहुत ही बेहतरीन वर्क करता था। आप जानते होंगे कि सुबह सुबह के टाइम पे राख को पत्तों के ऊपर छिड़काव कर देते थे तो जो पत्तों पर जो कीड़े लगते थे बिल्कुल कीड़े नहीं आते थे।
मैं आपसे बताऊं कि राख बहुत ही बेहतरीन वर्क करता है पोटेशियम के स्रोत का। मिट्टी में अगर पोटिंग मिक्स आप गमलों का बना रहे हैं तो उस मिट्टी में मिला दीजिए, मिला के आप उसको पोटिंग मिक्स आप बना दीजिए, बहुत ही बढ़िया राख का काम करता है पोटेशियम। और मैं आपसे बताऊं कि इसका अगर फुल डिटेल आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, जाके वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि राख को किन किन चीज़ों पर कैसे कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ सीविड। सीविड इसको थोड़ा सा मार्केट से आपको परचेज करना पड़ेगा। सीविड आप मार्केट से परचेज कर लीजिए, बहुत महंगा नहीं आता है, बहुत सस्ता आता है। और परचेज करने के बाद उसको आप इस्तेमाल करिए। सीविड का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, जाके वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। एक लीटर पानी ले लीजिए, एक लीटर पानी में आपको 10 ग्राम सीविड डालना है, क्योंकि पोटेशियम का बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनिक स्रोत है, जैविक स्रोत है। एक लीटर पानी में 10 ग्राम आप डाल लीजिए सीविड, और उसको 2 से 2.5 लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अपने प्लांट को आप ज़मीन में दे दीजिए। जिस प्लांट में पोटेशियम की कमी है, भरपूर मात्रा में वो प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि जो पत्तों की खाद है, पत्तों की खाद अगर आप बनाते हैं तो पत्तों की खाद भी बहुत ही बेहतरीन है पोटेशियम का स्रोत, वो भी जैविक तरीके से। अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग में आपको पत्तों मिल जाएगा, या कहीं बागीचे में पत्तों आपको मिल जाएगा, उस पत्तों को क्लट कर लेना है, क्लट करने के बाद रख लीजिए, और रखने के बाद उसको डीकम्पोज करने का कोई भी तरीका आप ढूंढ लीजिए, या उसको डीकम्पोज करना है तो उसको बर्मी कम्पोस्ट के रूप में, जैसे बर्मी कम्पोस्ट बनाते हैं उस तरीके से आप उसको इस्तेमाल करिए। तो मैं बता दूँ आपको कि अगर पत्ता आप इकट्ठा कर लिए तो आपको करना क्या, उसको ऊपर से आपको नमी बना कर रखना है, केचुआ का उसमें इस्तेमाल कर देंगे, थोड़ी सी गुड़ का इस्तेमाल कर देंगे, और किसी बाल्टी में उसको डाल दीजिए। डालने के बाद केचुआ डाल दीजिए, गुड़ डाल दीजिए, और ऊपर से उसको ढक दीजिए, पूरा उसको ना ढकिएगा, हल्का सा उसका मुंह खाली रहे, और थोड़ी सी आपको प्रयास ये रहे कि हर दिन उसको पानी से आप सुबह शाम नम करते जाइएगा। आप देखेंगे कुछ दिन बाद देखेंगे जो केचुआ होते हैं उनको पूरे खाद के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। उस खाद को इस्तेमाल करिए, आप देखेंगे कि जो आपके पौधे में पोटेशियम की मात्रा कमी है वो परिपूर्ण कर देगा। दोस्तों गोबर की खाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं पोटेशियम के लिए, क्योंकि पोटेशियम का ये ऑर्गेनिक स्रोत बर्मी कंपोस्ट भी है, और गोबर की खाद भी ऑर्गेनिक स्रोत है पोटेशियम के लिए। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बर्मी कंपोस्ट आपको अगर नहीं बनाना आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, जाके आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन मैंने वीडियो बनाया है कि कैसे बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, उसकी विधि क्या है, बहुत उसमें रॉकेट साइंस आपको नहीं लगाना है, बहुत सिंपल तरीका है, सिंपल तरीके से बर्मी कंपोस्ट बनाइए। और बर्मी कंपोस्ट में मैं बताऊँ आपको कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और उसको आप दोस्तों अब इस्तेमाल करिए। बर्मी कंपोस्ट को अगर आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो मैं आपसे बताऊँ कि आपके जो खर्चे हैं, खर्चे बिल्कुल कम हो जाएंगे, क्योंकि किसान बर्मी कंपोस्ट को इस्तेमाल करें, एक एकड़ में बताऊँ आपको कि पहली बार अगर किसान इस्तेमाल कर रहा है तो कम से कम 1000 kg एक एकड़ में एक बार इस्तेमाल करें। और मैं बताऊँ आपको कि 1000 kg अगर परचेज करेगा, थोड़ी सी उसको कास्ट ज़्यादा आएगा, खुद घर पे बना लेगा, बनाने के बाद इस्तेमाल करें, उसके बाद उसी खेत में दोबारा जब वो इस्तेमाल कर रहा है तो कम से कम उसको 750 kg आपको उस खेत में डालना है एक एकड़ में। उसके बाद तीसरी बार जब उस खेत में वो व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है तो कम से कम 500 kg उस खेत में बर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि तीसरी बार जब आप डालेंगे तो आपका उसमें फ़ायदा क्या होगा कि उत्पादन आपका बढ़ जाएगा, और खर्चे आप देख रहे हैं दिन ब दिन कम हो रहे हैं, और आपके मिट्टी में पोषक तत्व, आप अगर विश्वास आपको नहीं होगा, बिलीव आपको नहीं होगा, तो बर्मी कंपोस्ट डालने से पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच करा लीजिए। जांच कराने के बाद आप 3 बार 1000 kg, 750 kg, 500 kg, जिस तरीके से मैंने बताया, 3 बार आप उसको डाल दीजिए। डालने के बाद आप जाके मिट्टी जांच करवा लीजिए, फिर देखिए कि आपके खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो रही है, नहीं हो रही है, या बैलेंस है, क्या क्या है। बहुत ही बढ़िया आपके खेतों में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में हो जाएगा। और मैं बताऊँ आपको कि आपके खेतों में केचुआ जो होते हैं, केचुआ बहुत अधिक मात्रा में आपके खेतों में आ जाएंगे। दोस्तों आप ये जानते हैं कि केचुआ हमारे किसानों का मित्र कहलाता है, और आज की डेट में केचुआ आपको देखने को मिलता बिल्कुल नहीं है। पहले के ज़माने में तो आपको केचुआ मिल भी जाते थे, लेकिन आज के ज़माने में केचुआ आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलते हैं। तो आपको केचुआ लाना बहुत ज़रूरी है, किसी भी तरीके से आप लाइए। दोस्तों आप जानते हैं केचुआ वाटर रिचार्जिंग का दुनिया में बहुत बेहतरीन काम करता है केचुआ, और वो भी फ्री का काम करता है। जो पानी का दिन पर दिन जो जल स्तर ये बहुत अधिक नीचे जा रहा है, ये कहीं न कहीं हमारे केचुआ को न रहने के कारण ऐसी संकट आ रही है।
दोस्तों मैंने आप पोटेशियम का आपको जैविक स्रोत बताया, इस जैविक स्रोतों को आप इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद अपने पौधे पे रिजल्ट देखिए, रिजल्ट कैसा है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, लाइक से दोस्तों शेयर करें ना भूलिए, और नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और पुराने हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाला वीडियो आपको उनको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।